अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक फीचर के बारे में, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। आप किसी भी एक्सचेंज में चले जाएं, चाहे बाइनेंस पे चले जाएं, बिटगेट पे चले जाएं, कुकाइन पे चले जाएं, ओकेस पे चले जाएं, बायबिट पे चले जाएं, किसी भी एक्सचेंज में आप जाएंगे तो आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, ये दो फीचर आपको लाजमी मिलेंगे। इन दो फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका हर ट्रेडर को आना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल फ्रेश हैं ट्रेडिंग में, बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग के बारे में, उनको इन फीचर्स का पता नहीं है कि लिमिट को आप कॉइन बाय करने के लिए, अच्छी प्राइस में बाय करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और अच्छी प्राइस में सेल करने के लिए लिमिट को आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह आप मार्केट ऑर्डर क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे हमें मार्केट ऑर्डर यूज करना होता है, बाय के लिए क्यों यूज करते हैं, सेल के लिए क्यों यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चाहे आप कोई भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, मगर ये दोनों फीचर आपको बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हैं। अगर आप इन दोनों चीजों के बारे में पहले ही अवेयर हैं, आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता है, तो आप मेरा क्रिप्टो का कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तकरीबन 15-16 वीडियोस मैंने उस पर बनाई हुई है। बेसिक चीजें सारी उसमें मैंने बताई हुई है कि बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी कॉइन के बारे में आपको कैसे मालूमात ले सकते हैं कि स्कैम है या रियल है। इस तरह की काफी सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो लिमिट और मार्केट ऑर्डर को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनेंस के एप्लीकेशन पे। आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, उसका फीचर यही होगा जो मैं आपको बाइनेंस के एप्लीकेशन में बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे अगर गेनर्स की बात की जाए तो टॉप पे जो चल रहा है उसका 32% अप गया है। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे लिमिट और मार्केट ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। मार्केट ऑर्डर आप बाय के लिए भी यूज कर सकते हैं और सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऑर्डर एक बिल्कुल ही बेसिक फीचर है। तो पहले हम किसी कॉइन को बाय करते हैं, जैसे कि बीएनबी है, इसी को भी बाय करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं बाय पे, ठीक है। जैसे ही आप बाय पे आएंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाता है, जिसपे बाय डिफॉल्ट आपके पास लिमिट सिलेक्टेड होता है। लिमिट को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं मार्केट पे, तो यहाँ पे अब मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट हो गया। मार्केट ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि जो भी कॉइन आप बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बीएनबी पे हैं, वो इसकी प्राइस चल रही है 557, ठीक है, 0.2 चल रही है, 0.3 चल रही है, ये चेंज हो रही है, रैपिडली चेंज होती रहती है। तो मार्केट ऑर्डर क्या करता है कि आपका जो कॉइन है वो इंस्टेंटली बाय करता है इस प्राइस पे जो कॉइन की चल रही है। मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास 6 USDT पड़े हुए, मैं सबका ये बाय कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने बाय बीएनबी करूंगा मार्केट ऑर्डर पे, तो उसी टाइम मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा। और किस प्राइस पे बाय होगा, जो प्राइस यहाँ पे अभी चल रही है, ठीक है। जैसे मैं इसको बाय करता हूँ, ये देखो सक्सेस, 1 सेकंड के अंदर मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मेरे बीएनबी अकाउंट में आ गए। अगर यहाँ पे सेल पे आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे 0.011991 बीएनबी मेरे पास आ गए। पहले मेरे पास बीएनबी कॉइन नहीं था, अभी हमने बाय किया है और 1 सेकंड के अंदर बाय हो गया। और सेल में भी मार्केट ऑर्डर का यही चक्कर होता है, जो कॉइन की प्राइस चल रही होगी उसी टाइम आपका ये कॉइन यहाँ पे सेल हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सडनली मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है और आप यहाँ पे गलती से लिमिट ऑर्डर लगा लेते हैं तो आपका ऑर्डर इनिशियली कंप्लीट नहीं होगा। वो तब होगा जब उस प्राइस पे वापस आएगा, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आप इनिशियली अगर इसको भी सेल करना चाहते हैं, किसी भी कॉइन को इनिशियली सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा, जो कि हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कितना आप सेल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा सेल बीएनबी। 1 सेकंड के अंदर हमारे बीएनबी यहाँ पे सेल हो गए। और अगर यहाँ पे बाय पे आते हैं तो देखें, अवेलेबल 6.17 USDT मेरे पास अगेन आ गए। देखें 1 सेकंड के अंदर गेम है ये, 1 सेकंड के अंदर हमने बाय कर लिया, 1 सेकंड के अंदर हमने सेल कर लिया। इसकी आपको एक माइनस फी लगती है, जब भी आप कोई भी कॉइन बाय करते हैं आपको माइनस फी लगती है, बाय के लिए भी सेल के लिए भी, जो कि बाइनेंस अपने पास रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं लिमिट ऑर्डर पे। लिमिट ऑर्डर का सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि जो प्राइस यहाँ पे आप सेट करेंगे कॉइन की, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे कैप्चर करता है जो प्राइस चल रही होती है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले प्राइस चल रही थी 557.1, और अभी प्राइस चल रही है 557.556 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो आती है जो उस टाइम चल रही होती है, जैसे हम लिमिट के बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप वो प्राइस सेट कर सकते हैं जिस प्राइस पे आप ये कॉइन बाय करना चाह रहे हैं। तो ये इसका एक बेसिक फीचर है जो कि बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। ये हर ट्रेडर को लाजमी आना चाहिए कि ये क्यों काम करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर ये कॉइन 500 तक आ जाए, मार्केट कभी भी डाउन हो सकती है, 500 पे आ जाए तो फिर मैं ये कॉइन लेना पसंद करूंगा, ताकि मुझे फिर अच्छा प्रॉफिट भी हो, ठीक है। क्योंकि हर टाइम तो मैं मार्केट ओपन करके नहीं देख रहा,
तो यहाँ पे आप एक ऑर्डर लगा लेंगे जो कि खुद ब खुद यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 500 लगा दिए और जितने भी मेरे पास यूटिलिटी है उन सब का मैं बीएमबी बाय करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको लगाना होगा ऑर्डर, जैसे ही ऑर्डर लगाएंगे तो ये आएगा योर प्राइस ऑर्डर इज मोर देन 5% अवे फ्रॉम द लेटेस्ट प्राइस, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। हमें बोलना सही है। अब यहाँ पे जस्ट ये बता रहा है कि 5% आप पीछे जा रहे हैं प्राइस के, तो मैं बोलना ओके कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर लग गया, बीएनबी यूटिलिटी का लिमिट का ऑर्डर है, बाय के लिए हमने लगाया है। प्राइस कब जाएगी यह होगा, जब 500 की प्राइस जाएगी तब ये हमारा क्वाइन बाय हो जाएगा। तो ये देखें जब भी क्वाइन ब्राउन होगा तो हमारा एक अच्छी प्राइस में ये क्वाइन बाय हो जाएगा। अब तो हमने बाय तो कर लिया, उसको मैं कैंसिल करता हूँ, अभी ये बाय नहीं होगा, कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब ये बाय तो हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि ये सेल भी अच्छी प्राइस में खुद ब खुद हो जाए। आप बार बार मार्केट को तो देखते नहीं रहेंगे, तो ये खुद एक बार आप ऑर्डर लगा लें और वो आपका खुद ब खुद सेल हो जाए। तो उसके लिए आपको आना होगा सेल पे, यहाँ पे वही लिमिट ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे प्राइस आपको वो लगानी होगी जिस प्राइस पे आप सेल करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि अब मैंने 500 पे बाय कर लिया था, अब ये अगर 600 पे आता है तो मेरा यहाँ पे सेल हो जाए। यहाँ पे आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होगी कितनी क्वांटिटी आप लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको सेल बीएनबी करेंगे, उसी टाइम आपका पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा और जब भी क्वाइन उस प्राइस पे आएगा तो आपका क्वाइन खुद ब खुद सेल हो जाएगा और प्रॉफिट में सेल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि लिमिट ऑर्डर क्यों यूज़ होता है और मार्केट ऑर्डर क्यों यूज़ होता है। दोनों को बिल्कुल ही बेसिक फीचर है जो कि हर ट्रेडर को आना लाजमी है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ये फीचर आप बाइनेंस पे यूज़ कर रहे हैं, बिटगेट पे यूज़ कर रहे हैं, ओकेस पे यूज़ कर रहे हैं या किसी भी एक्सचेंज पे यूज़ कर रहे हैं, इवन आप फॉरेक्स में यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब का जो तरीक़ेकार होगा वो यही होगा यूज़ करने का जो मैंने आपको अभी बताया है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।